अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनआर फूड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ, माय ईद कलेक्शन। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रही थी, मैंने अपने ईद के लिए जो रेगुलर ड्रेसेस होते हैं वो और ईद का ड्रेस किस तरह से सिलवाया है। तो देखें, ये मेरा पहला सूट है, इसमें मैंने बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगवाई है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, बट लगने में बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसी के मैचिंग के मैंने यहाँ पे बटन्स मैंने लगाए हैं और इसके साथ मैंने बेल फ्लैपर सिलवाया है, ये बहुत इन है आजकल। उसके बाद मैंने अपना ये दुपट्टा है, इसका बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। तो आपको अगर इस लॉन के बारे में जानना चाहें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप इस लॉन के बारे में ज़रूर एक व्लॉग बनाऊंगी कि कौन सी लॉन है। अच्छा, ये दूसरा मेरा सूट है, ये देखें, इसमें भी कितनी खूबसूरत सी मैंने लेस लगवाई थी और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और लगने के बाद देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। बस इसकी ये देखें, इसको मैंने लेस को स्लीव्स पे भी लगवाया है, दामन पे लगवाया है और गले पे लगवाया है। प्रिंट देखें कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है सिलने के बाद। और इसके साथ ही मैंने बेल स्टाइल फ्लैपर सिलवाया है, ये बेल स्टाइल फ्लैपर आजकल बहुत इन है, बहुत अच्छा लगता है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये मेरा थर्ड सूट है, ये मैंने पिंक कलर का लिया है, इसमें भी मैंने देखें यहाँ पट्टी लगवाई है गले की और इसी के मैचिंग के बटन हैं और एक लेस लगवाई है। ये लेस भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन लगने के बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी लगती है ये। और ये सिंपल ट्राउज़र मैंने इसके साथ सिलवाया है और इसका दुपट्टा भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरा सूट। ये एक और सूट है मेरा, ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, इसका गला वगैरह सब बना हुआ था, दामन वगैरह सब बना हुआ था, तो इसको सिंपल ही रहने दिया है मैंने, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके कपड़ों पे ऑलरेडी बनी हुई है तो उसमें लेस वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, तो बस मैंने इसको सिंपल ही रखा है। और इसके ट्राउज़र में मैंने लुक दिया है, देखें छोटी चुनों वाला जो फ्लैपर चल रहा है, ये करारा स्टाइल, वो मैंने इसमें बनवाया है जो कि बहुत ही ऑसम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये इसका खूबसूरत सा दुपट्टा है, एम्ब्रॉयडर्ड हुई हुई है, तो हल्की हल्की सी नाइस सा फैंसी लुक है। और ये गरारे का आपको स्टाइल दिखाऊं मैं, ये मेरी बेटी का गरारा है, ये इसकी शर्ट है गरारे की और स्लीव्स फुल स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड हैं, दामन पे थोड़ा सा वर्क हुआ हुआ है। और ये इसका जो है वो, अब मैं गरारा दिखाऊं, ये इसका गरारा है, दो कपड़ों में है, ये नीचे प्लेन है, ऊपर जो है वो ये देखें सिल्क स्टाइल है, बहुत ही खूबसूरत गरारा लग रहा था। ये मैंने रेडीमेड लिया था, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आ रहा था तो मैंने इसको कहा कि चलो मैं ईद पे आपके लिए ले लेती हूँ। ये पूरा सूट मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता था। ये मेरा ईद का सूट है, देखें ये मेरी शर्ट है, इस पर देखें एम्ब्रॉयडरी, ये फुल खुद ही हुआ हुआ था सारा काम, इसमें मैंने कोई लेस वगैरह नहीं लगवाई। ये दामन पे जो है ये खुद ही मिली थी पट्टी, गले की पट्टी भी मुझे खुद ही यहीं से मिली थी ये, तो बस मैंने इसको स्टिच करवाया है। लेकिन जो मैंने इसका फ्लैपर बनवाया है, ये देखें, ये भी बेल स्टाइल का, फुल बेल स्टाइल दिया है इसमें, बहुत खूबसूरत सूट लग रहा है ये। और ये इसका बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा, पिंक कलर का जॉर्जेट का दुपट्टा है इसका, तो इसमें ज़रा सी फैंसी सी लुक आ जाती है और इसके बॉर्डर्स भी बने हुए हैं बहुत खूबसूरत से, पिंक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है ये। ये पूरा सूट मेरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये देखें। और जनाब, ये सारी मेरी कलेक्शंस थी, तो उम्मीद है कि आपको सारी मेरी कलेक्शंस पसंद आई होंगी। और जिस फैब्रिक के बारे में आप मुझे से पूछना चाहें तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो मैं आप फैब्रिक के बारे में, इसका ब्रांड कौन सा है, इन सब के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को एनआर फूड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।